हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आई एग्जाम भी आई एम सुशील रगड़े एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर है मैं सब लोगों को नहीं कहता कुछ लोग स्कूल से कॉलेज में आ, कभी ऐसे राइटिंग जो कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन मेजोरिटी जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसका आइडिया नहीं है वैसे अगर आप देखेंगे हमारा जो के टू पी जो एजुकेशन सिस्टम है वो सारा डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पर ही बेस है हम स्कूल में जाते थे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके आपका ग्रेजुएशन है टेंथ है ट्वेल्थ है पोस्ट ग्रेजुएशन है वहाँ पे आप कुछ सीखते थे और फिर आपको जाके लिखना पड़ता था और मोस्टली वो पेपर पेन टाइप का टेस्ट हुआ करता था तो अभी क्या है यहाँ पर यहाँ पर आपको टाइप करना है और कुछ लोगों को ये जो सब्जेक्ट्स है जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज़ है उसके बाद फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है उसके बाद इथिक्स भी है उसमें इंग्लिश का ऐसे का पेपर है इसका कंटेंट का कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है इसलिए वो आंसर राइटिंग नहीं करते अगर मैं किसी को क्योंकि मैं आपको पता है मैं पिछले बारह साल से लोगों को पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो लोगों का क्या एक्सक्यूज होता है और ये एक्सक्यूज़ ही है कि सर मेरे पास कंटेंट नहीं है मुझे कुछ पता नहीं है अगर आप देखेंगे तो आपने लिखने की प्रैक्टिस लाइफ टाइम की है और हम टाइपिंग भी करते हैं अभी आप दोनों को जोड़ना है यहाँ पर और कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो ये जैसा यूनिक जो प्रोग्राम है या यूनिक मेथड है मैंने खुद ये डिवाइस किया हुआ है पिछले चार साल तीन चार साल से हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है इसका मतलब ये है आप कितने भी फ्रेशर हो आपने कभी आंसर राइटिंग नहीं किया मतलब आपका कॉलेज के बाद हम आपको आंसर देंगे क्वेश्चन भी देंगे आपको उसको पढ़ना है एक बार दो बार तीन बार चार बार दस बार पढ़ लो अच्छे से समझ लो कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको रट्टा लगाना पड़ेगा रट्टा लगाओ और फिर दूसरे दिन आप आंसर लिखो क्योंकि इससे क्या होगा आपको खुद को पता चलेगा गया मैंने कल ही पढ़ा है और आज मैं कैसे नहीं लिख पा रहा हूँ तो आपको हम क्या बोलते हैं स्विमिंग सीखना है ना तो वो जो ट्रेनर होता है अभी राइट हूँ तो मैं स्विमिंग सीख रहा हूँ इसलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो ट्रेनर आपको पानी में डकल देता है अदरवाइज आप कभी खुद से पानी में डुबकी नहीं लगाएंगे ठीक है जंप नहीं करेंगे तो इसी तरीके से हम आपको बोलेंगे आप लिखो जैसे आता है वैसे लिखो बिल्कुल नहीं डरना है पहले टेस्ट में मान लीजिए आपको बीस परसेंट मार्क्स मिले लेकिन फिर क्या होगा फिर आपका पेपर चेक होगा फिर नेक्स्ट डे फिर से दूसरा टेस्ट आएगा फिर हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे हम आपको क्वेश्चन देंगे आंसर देंगे आपको पढ़ना है फिर लिखना है पहले दिन बीस होगा फिर तीस होगा फिर चालीस होगा फिर पचास होगा कुछ टाइम के बाद आपका ये डर जो है पूरा निकल जाएगा तो ये प्रोसेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ क्वेश्चन एंड आंसर दिए हुए हैं और ये अगर आप यहाँ पे देखो ई के चार पेपर फाइनेंस के चार और इंग्लिश के तीन पेपर होंगे एक पेपर में आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से करना है ठीक है तो इसलिए ये प्रोग्राम जो करेगा और उसके बाद फेज़ वन के बाद फिर से इसी टाइप का होगा फेज़ वन के बाद फिर जनरली हम ना ये फेज़ वन के बाद ही करते थे पिछले तीन चार साल से लेकिन अभी क्या है स्टूडेंट्स ने ही रिक्वेस्ट किया हमें कि सर हमें ये करना है क्योंकि अभी तो मतलब टाइम ऐसा है कि सर पढ़ाई भी नहीं हो रही है फेज़ वन का प्रिपरेशन कितना करेगा तो अभी ये जो टाइम है हमें फ़ेज़ वन के लिए यूटिलाइज़ करना फेज़ टू का आंसर राइटिंग के लिए यूटिलाइज़ करना तो इसलिए हमने ये डिज़ाइन किया है और इसका जो एनरोलमेंट डेट है आने वाला जो संडे है बारह तारीख को बारह तारीख को दोपहर को बारह तक है क्योंकि उसके बाद ऐसा नहीं कि कभी भी आओ और एनरोल करो ऐसा नहीं है क्योंकि ये आपको लिखना है अगर आप पेपर सबमिट नहीं करेंगे टाइम के पहले तो आपका पेपर बाद में नहीं चेक होगा फिर आप बाद में नहीं कह सकते कि सर मेरा पेपर है मेरा चेक कीजिए मैंने ऐसा किया वैसे किया ऐसा नहीं चलेगा तो ये बहुत स्ट्रिक्ट है जो फॉलो करना चाहता है उसी को ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है और जिसको थोड़ा बहुत भी गारंटी कि मेरा फेज वन का पढ़ाई ठीक ठाक हो चुका है और मैं फेज़ टू के लिए अभी थोड़ा रेडी हूँ और मुझे कुछ प्रैक्टिस करनी है उनके लिए है। जिनको फेज़ वन पास करने का कॉन्फिडेंस नहीं है उनके लिए ये कोर्स नहीं है तो चलो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे रिजल्ट हैं लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे ना हमारे रिजल्ट कम थे सेवेंटी थे मतलब उसके पहले एक ऐसे आते थे अभी क्या है पिछले साल ने पर्पजफुली किसी का भी फ्री में आपको इंटरव्यू नहीं लिया है सारे पेड कोर्स के स्टूडेंट है ये क्योंकि आपको पता है अभी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी एक्शन लेना स्टार्ट किया तो आपको सारे ये हमारे हैं

एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तो इस तरीके से नीचे जो है आपको वर्ड्स दिखाई देंगे क्योंकि आपको आरबीआई में पता है दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं पंद्रह मार्क का आता है और दस मार्क का आता है पंद्रह के लिए आपको सिक्स हंड्रेड वर्ड लिखना है एंड दस के लिए आपको फोर हंड्रेड वर्ड लिखना है लेकिन उसके अंदर भी सब क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे मान लीजिए पंद्रह मार्क का क्वेश्चन है और एक बड़ा क्वेश्चन है उसमें ए बी सी दिया हुआ है ठीक है तो आपको टू हंड्रेड टू हंड्रेड एंड टू हंड्रेड वर्ड लिखना तो ये नीचे आपका क्या होगा वर्ड काउंटर होगा यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने कितने वर्ड्स लिखे हैं तो अभी जो मेरा पहला जो टेस्ट है ई का डिस्क्रिप्टिव का जो अभी होने वाला है उसका मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं ठीक है कि दो क्वेश्चन है देखो ठीक है पंद्रह पंद्रह मार्क के लिए आपको ये कंपलसरी मैंने दिया कंपलसरी दिया यहां पे ऑप्शन नहीं दिया कंपलसरी क्योंकि आपको लिखना ही लिखना है ठीक है और ये क्वेश्चन है ना आपको कोई कहेगा कि मैंने पढ़ाई नहीं की आपको चिंता नहीं करनी हमने आपको सारा आंसर दिया हुआ है कैसे लिखना वो भी देखो जैसे ग्लोबलाइजेशन हैज़ ब्रॉड गैमट ऑफ अपर्चुनिटीज एज वेल एज चैलेंजेस टू इंडिया डिस्कस द्रैटेजीज इंडिया शुड अडोप्ट टू मैक्सिमाइज बेनिफिट्स एंड मिटीगेट इट्स एडवर्स इफेक्ट्स ठीक है तो अब जैसे देखो पहला क्वेश्चन है पंद्रह मार्क का इसमें अप्रोच कैसे करना है चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है अपॉर्चुनिटीज अराइजिंग फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन स्ट्रैटेजीज फॉर मैक्सिमाइजिंग बेनिफिट चैलेंज अभी ये क्या है ये हमने आपको एक फ्रेमवर्क दिया है उसके बाद कंक्लूजन लिखना है ये स्टार्टिंग में दिया कि किस तरीके से लिखना है अभी पूरा आंसर भी दिया हुआ तो मैंने आपको सैंपल के लिए कि आपको पता चले कि किस तरीके से आए तो ये पूरा आपको मिलेगा तो ये क्या है ये रेडीमेड आपको क्वेश्चन मिल रहा है और आंसर मिल रहा है यही अगर आप यही चार पांच बार पढ़ेंगे अगर आपको लगता है कुछ वैल्यू एडिशन करनी तो आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं लेकिन लेकिन यहां पर आप जब आंसर लिखने बैठेंगे तब नहीं लिखना है तब नहीं देखना है आपको ठीक है तब नहीं देखना है अदरवाइज फिर क्या पर्पज देख के लिखने में क्या पर्पज है ठीक है तो ये क्या है आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है समझना है बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि भाई आपको समझ में ऐसा बिल्कुल नहीं ये ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट है इनमें बिल्कुल भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है आप में से बहुत सारे लोगों ने इंजीनियरिंग किया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में उसके बाद आपने साइंस पढ़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी जूलॉजी ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है ठीक है लेकिन डर इसलिए लगता है क्योंकि यहां पे थोड़ा सा ना क्या होते हैं ये इमोशंस वाले सब्जेक्ट है जैसे ह्यूमैनिटीज में जैसे पावर्टी की हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे और बहुत सारे आप सोशल इश्यूज की हम बात करेंगे और यहां पे क्या है थोड़ा आपको सोच के लिखना है आपको आसपास सोसाइटी में क्या हो रहा है वो भी लिखना है ठीक है इसलिए यह प्रैक्टिस है डेफिनेटली आ जाएगा तो इस तरीके से चार क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको कितना टाइम लगेगा आप चार क्वेश्चन पांच बार पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो इसमें का कुछ डेटा होगा जैसे देखो डेटा रिलेवेंट डेटा एंड कोर्ट ये भी हम देंगे आपको डेटा भी देंगे बहुत बार होता है ना कि सर में जो डेटा कहाँ से मिलेगा अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे हंड्रेड तो परसेंट आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाएंगे और ये तो सिर्फ एक है इसके बाद फिर से होने वाला है ठीक है इसके बाद फेज वन के बाद फिर से ऐसा होने वाला है ठीक है अब ये दूसरा एक क्वेश्चन है एक फाइनेंस कमीशन का क्वेश्चन था तो ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि आपको ऐसा डेटा हम प्रोवाइड करेंगे ठीक है और यही अगर आप करेंगे इस तरीके से ना ये से आपको जो सारा जो सिलेबस है आपका कवर हो जाएगा और देखिए यहां पे ना अगर आप देखेंगे जीए ठीक है आपका ईएसआई आपका फाइनेंस ठीक है उसके बाद आपका इंग्लिश का पेपर इंग्लिश का आपका पेपर है ये एक्चुअली एक ही है एक ही है कैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इन्फ्लेशन है आप इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं अच्छे तरीके से इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं तो ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन के बारे में इंग्लिश के पेपर में ऐसे आ सकता है फाइनेंस के तो सिलेबस में ही भी है ई के भी सिलेबस में है और जी में क्वेश्चन आ सकता है और इसमें तो मैं इंटरव्यू तो भूल ही गया ठीक है यानी कि आप जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं वो सब आपको यहाँ पर लिखना है तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं कि क्या लिखना इसलिए हमने ये दिया हुआ है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये लिखना है आप आपके मन से भी लिख सकते हैं और ये पेपर आने के बाद सेवन डेज के अंदर हम आपको पेपर चेक करके देंगे क्योंकि ऑलरेडी टू हंड्रेड एनरोलमेंट्स हो चुके हैं ठीक है थीके? और इसमें लिमिटेशन है इसलिए हमने वो जो कट ऑफ डेट है वो आने वाला जो संडे है ट्वेल्थ को दोपहर को बारह बजे तक का ही रखा है क्योंकि अनलिमिटेड लोग यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि इनके पेपर भी चेक करने पड़ेंगे ठीक है इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं और ये पूरा जो प्रोग्राम है किस तरीके से होगा यहाँ पे दिया पढ़ सकते हैं और ये टाइम टेबल है बारह तारीख इसलिए बोला है क्योंकि पहले दिन जो है वो इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाला है और थर्टीन को अभी ये जो पेपर मैंने आपको दो क्वेश्चन दिखाए और बाकी दो भी है इसका जो डिस्कशन है मैं खुद करूंगा शाम को साढ़े सात बजे यानी कि आपने जो पेपर चार पांच बार पढ़े फिर आपने लिखा फिर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या लिखा क्या नहीं लिखना चाहिए क्या क्या गलती होती है आपके प्रॉब्लम है फिर उसके बाद मैं कुछ फ्रेमर भी बताऊँगा आपसे हम काफी सारा इंट्रैक्शन भी करेंगे उससे भी आपको काफी सारी चीजें वहां पर पता चल रही क्योंकि क्योंकि ये प्रोग्राम कौन ज्वाइन करेगा सिर्फ सीरियस स्टूडेंट सिंसियर स्टूडेंट जो है जिनका फेज वन का ठीक ठाक प्रिपरेशन हो चुका है जिनको फेज फेसबुक के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है यानी कि सारे यहाँ पे सिंसियर स्टूडेंट आने वाले तो उनका ही ये बैच होगा और यहाँ पर काफी सारा डिस्कशन भी होगा ठीक है जब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आपने कैसे लिखा है क्या क्या दिक्कत आती है ग्रामर कैसे देखना है क्या ये सारा चीज़ वहाँ पे डिस्कस होगा और ये सारा करने के बाद आपका जो डर है सेवेंटी एट्टी परसेंट चला जाएगा फिर आप पढ़ेंगे करेक्ट आप जी के लिए जो पढ़ेंगे देखो इसलिए ये कोई अलग नहीं है बहुत लोग क्या करते हैं ए अलग है ई अलग है फाइनेंस अलग है वो इंग्लिश अलग है इंटरव्यू uh, वाला ऐसा नहीं है ये सारा एक ही है आप जितना नॉलेज गैदर करेंगे आप जितना वहाँ पे जाके लिखेंगे तभी वो आपको वो जो आंसर है आपका उसमें वजन आएगा ठीक है ये तो हम जो बता रहे हैं वो तो है इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं ऐसा कोई ये नहीं है और सिमिलर टाइप का प्रोग्राम हमारा फेज़ वन के बाद भी होगा अगर आप दोनों करेंगे तो आप हंड्रेड परसेंट मैं कहता हूँ आप अगर फेज टू फेज़ वन क्लियर करते तो फेज़ टू के लिए आप पास होकर इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ जाएगा ठीक है अगर आपको इसके बारे में और जानना है एक्चुअली मैंने सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है आप यहां पे कॉल करके पूछ सकते हैं और ये हमारा बैच नंबर सेवन जो फुल फ्लेज बैच है अभी जो डिस्क्रिप्टिव है वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के बारे में है आपको उसमें क्या मिलेगा बस आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे उसका मॉडल आंसर मिलेगा और हम डिस्कशन करेंगे और आपका पेपर इवेल्यूट करके मिलेगा वो उत्तर मिलेगा लेकिन ये जो है इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होगी और इसका जो फेज टू का डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है वो फेज वन के बाद होगा जैसे ये फोर्टी प्लस ट्वेंटी डेज है ये फेज़ वन के बाद वाले ट्वेंटी डेज है ठीक है तो ये हमारे रिजल्ट है आप सबको पता है और इसके बारे में कोई डाउट है आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के बारे में या किसी भी और एस्पेक्ट के बारे में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप वो जो नंबर दिया वहां पे कॉल करके पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन